इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2023 के लिए 1993 से लेकर 2021 तक आरएएस परीक्षा में पूछे गए जीके के प्रश्न के पार्ट 17 की चर्चा करूंगा। और अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 16 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डेली आपको ये सीरीज देखने को मिलती है। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल पर आपको मॉर्निंग में 11 बजे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, शाम को 4:45 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज देखने को मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको वहीं देखने को मिलेगी। तो अब पार्ट 17 में मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की स्टार्ट करता हूँ चर्चा। प्रत्येक क्वेश्चन के आगे आपके आरएएस में कौन से एग्जाम में पूछा गया था वो भी आपके लिखा हुआ। पहला क्वेश्चन है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण और जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? आरएएस 2008 का क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शन है दादू, नानक, रामानंद, रामानुज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसके दुर्गुण और जाति नहीं पूछता है। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह सिद्धांत आपके किस भक्ति संत का है? रामानंद भक्ति संत का है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता था? आरएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। बौद्ध, जैन, आजीवक, इनमें से कोई नहीं। तो नियति की अटलता में विश्वास संप्रदाय कौन सा करता था? आजीवक संप्रदाय। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सबसे अधिक पूजा की जाती थी? आरएएस 1996 का क्वेश्चन है। सूर्य, विष्णु, शिव, ब्रह्मा। तो अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की अधिक पूजा की जाती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा शिव। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी की गोगा मेड़ी में गोगा नवमी को लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार कौन सा महीना और तिथि है? आरएएस 2015 का क्वेश्चन है। चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी। तो गोगा जी के गोगा मेड़ी में गोगा नवमी को लगने वाले मेले का भारतीय तिथि क्रम के अनुसार महीना भाद्रपद कृष्ण नवमी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी किया है? आरएएस 2007 का क्वेश्चन है। बाबूजी, देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी। तो भारतीय डाक विभाग ने कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ पर डाक टिकट जारी किया, वो है देवनारायण जी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है? आरएएस 2015 का क्वेश्चन है। एक उपासक के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रपाल है वो राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है, ग्राम देवता के रूप में। दो ऑप्शन सेम हो गए, करेक्ट आंसर आपका चाहे बी मानो चाहे सी मानो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? आरएएस 2010 का क्वेश्चन है। आई माता, जिण माता, मलिना जी, रामदेव जी। तो राजस्थान के लोक साहित्य में सबसे किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिण माता का। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से राजस्थान की लोक देवी नहीं है? आरएएस 2012 का क्वेश्चन है। छींक माता, करणी माता, हिडम्बा माता, आवरी माता। तो इनमें से लोक देवती या लोक देवी नहीं है, हिडम्बा माता लोक देवी नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छींक, करणी और आवरी माता आपके लोक देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला किस माह में लगता है? आरएएस 2003 का क्वेश्चन है। अगस्त, नवंबर, अप्रैल, जनवरी। तो राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला है वो आपके नवंबर मंथ में लगता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के रूणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है? आरएएस 1992 का क्वेश्चन है। सत्य बोलना, निरंतर ईश्वर स्मरण, सांप्रदायिक सद्भावना, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के रूणेचा के मेला की वो विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है वो है आपका सांप्रदायिक सद्भाव। करेक्ट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक सद्भाव। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? आरएएस 1992 में भी पूछा गया था, 2010 में भी पूछा गया कि किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है। नागौर, अजमेर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन नागौर जिले में करती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिनाजी पशु मेला का आयोजन कहाँ होता है? आरएएस 1995 का क्वेश्चन है। पाली, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर। तो मलिनाजी पशु मेला आपके
बाड़मेर में होता है, लेकिन अब आपके बालोतरा जिला हो जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत के अनुसार 22 जून और 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? आरएस 2003 का क्वेश्चन है। भाद्रपद, चैत्र, आषाढ़, पौष। तो शक संवत के अनुसार 22 जून और 23 जुलाई के मध्य काल को आषाढ़ के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बड़ी तीज कब मनाई जाती है? आरएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, श्रावण कृष्ण नवमी। तो राजस्थान में जो बड़ी तीज है वो आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है? आरएस 2007 का क्वेश्चन है। कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र, श्रावण। तो छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण माह में मनाया जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? आरएस 2016 का क्वेश्चन है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, नाथद्वारा। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? वो है नाथद्वारा क्षेत्र। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है? आरएस 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन है, इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, ईसा नजरत में गए, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, या इनमें से कोई नहीं। तो ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की जो भावना है वो है कि इस दिन ईसा है वो पुनर्जीवित हुए थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तगड़ी पहनी जाती है? आरएस 2007 का क्वेश्चन है। गले में, कमर में, हाथ में, पैर में। तो तगड़ी आपके कमर में पहनी जाती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेली आपको इसी तरह मॉर्निंग में 11 बजे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शाम को 4:45 बजे राजस्थान करंट अफेयर 2023 के 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 7 PM पर आरएस में पूछे गए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? आरएस 2013 का क्वेश्चन है। नाक, अंगुली, कान, कमर। तो दामना आभूषण स्त्रियां हैं वो शरीर के उंगली में पहनती है, अंगुली में पहनती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? आरएस 2000 का क्वेश्चन है। जाट, आदिवासी, गुर्जर, इनमें से कोई नहीं। तो तारा भात की जो ओढ़नी है वो आपके आदिवासी महिलाओं के लिए लोकप्रिय है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में बड़ा आर्य क्या है? आरएस 1997 का क्वेश्चन है। रात का भोजन, सुबह का भोजन, सामूहिक प्रतिभोज, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में बड़ा आर्य क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सामूहिक प्रतिभोज। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम क्या है? आरएस 1992 का क्वेश्चन है। बंधुआ मजदूर प्रथा, देवदासी प्रथा, सती प्रथा, इनमें से कोई नहीं। तो सागड़ी प्रथा का अन्य उपनाम है बंधुआ मजदूर प्रथा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपुताने में किस नरेश ने सबसे पहले कन्या वध को रोकने का प्रयास किया है? आरएस 1999 का क्वेश्चन है। जय सिंह, प्रताप सिंह, राव राम सिंह, जगत सिंह। तो राजपुताने में सबसे पहले कन्या वध को रोकने का जो प्रयास वो राव राम सिंह ने किया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा किस काल में प्रारंभ हुई? आरएस 2000 का क्वेश्चन है। हर्षवर्धन, गुप्तकाल, मौर्यकाल, कुषाणकाल। तो बाल विवाह की जो प्रथा है वो किस काल में प्रारंभ हुई? हर्षवर्धन काल में प्रारंभ हुई है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सती प्रथा सबसे पहले कहाँ निषेधित की गई है? आरएस 2000 में क्वेश्चन पूछा गया। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, बीकानेर। तो राजस्थान में सती प्रथा सबसे पहले आपके जयपुर में निषेधित की गई थी। सी आपका करोगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ब्रिटिश प्रभाव से सबसे पहले आपके बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राई का क्या है? आरएस 2009 का क्वेश्चन है। परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता, नमक व्यापारी, परंपरागत घोड़े पालन पोषण करता, इनमें से कोई नहीं। तो राई का है परंपरागत ऊंट पालन पोषण करता। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थामण, करोड़ और अंजन क्या है? आरएस 2010 का क्वेश्चन है। भेड़ों की किस्में, गौरी नृत्य के तीन नायक, राजस्थान में घास की किस्में, इनमें से कोई नहीं। तो धामण, करोड़ और अंजन है राजस्थान में घास की किस्में हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थावड़िया के व्यक्ति होते थे? आरएस 2009 का क्वेश्चन है। जो अनाज का भंडारण करते थे, जो दौड़ में भाग लिया करते थे, जो कारवार काफिले को लूटते थे, या इनमें से कोई नहीं।
तो ढावड़िया के व्यक्ति होते थे जो कारवा और काफिले को लूटते थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? आरएस 1992 को क्वेश्चन है। सरिस का पैलेस शामोद हवेली जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, खेसर पैलेस खेसर में। तो राज्य का पहला हेरिटेज होटल है वो अजीत भवन जोधपुर है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन कब शुरू की गई है? आरएस 2010 का क्वेश्चन है। 11 जनवरी 2009, 10 फरवरी 2009, 21 मार्च 2008 या 12 अगस्त 2009? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 जनवरी 2009। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? आरएस 1993 का क्वेश्चन है। जॉर्ज गिब्सन, टेलर होम्स, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म को पहचाना है? आरएस 2012 का क्वेश्चन है। आपके सामने टोंक है ढूंढाड़ी, करौली मेवाती बोली, बारा हाड़ोती और पाली बागड़ी। तो इसमें पाली आपके बागड़ी है, यह आपका गलत है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हाड़ोती बोली नहीं बोली जाती है? आरएस 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। बूंदी, कोटा, भरतपुर, झालावाड़। तो हाड़ोती बोली आपके कहाँ नहीं बोली जाती है? या आपके भरतपुर में नहीं बोली जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? आरएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बीकानेरी, नागरचोल, जोधपुरी, थली। तो इनमें से कौन सी है जो मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागरचोल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम अंग्रेज इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा? मैक्स वेबर, कर्नल जेम्स टॉड, एफ वॉल्टेयर, इनमें से कोई नहीं। तो वो आपका इतिहासकार था कर्नल जेम्स टॉड। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, आरएस 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। जमनालाल बजाज, मानकरण शारदा, हरबिलास शारदा, जॉन मेलकम। तो राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे वो है हरबिलास शारदा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? आरएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। पृथ्वीराज चौहान, जयनक भट्ट, चंद बरदाई, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो है आपके जयनक भट्ट। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है? आरएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। वचनिका, वात, वैली, विगत। तो राजस्थान साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या कथा विधा से संबंधित है वो है वात। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? आरएस 2009 में क्वेश्चन पूछा गया। जानकवि, बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो वंश भास्कर के रचयिता है सूर्यमल मिश्रण। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना और लेखक में सुमिलित नहीं है? आरएस 2018 में पूछा गया। पग फिरो मणि मधुकर, पागी चंद्र प्रकाश देवल, बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका सुमिलित नहीं है बोल भारमली यादवेंद्र शर्मा का। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात के लेखक कौन है? आरएस 2007 का क्वेश्चन है। श्यामलदास, दयालदास, नैणसी, सूर्यमल। तो बीकानेर के राठौड़ोरी ख्यात के जो लेखक है वो आपके हैं दयालदास। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दयालदास। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडियार की ख्यात का विषय क्या है? आरएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। सिरोही के चौहान, मारवाड़ के राठौड़, बूंदी के हाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो मुंडियार विख्यात का जो विषय है वो है मारवाड़ के राठौड़। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसिंह सूरी लेखक थे? आरएस 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। हमीर महाकाव्य, हमीर हट, हमीर मद मर्दन, हमीर आसो। तो जयसिंह सूरी है वो लेखक थे हमीर मद मर्दन के। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक रत्नावली के रचयिता कौन थे? आरएस 1999 में पूछा गया। माधोशीन, नागरीदास, नरहरिदास, इनमें से कोई नहीं। तो रसिक रत्नावली के रचयिता कौन थे? नरहरिदास। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? आरएस 1992 में क्वेश्चन पूछा गया। राधाकृष्ण, कृष्णानंद व्यास, हमीर, कुंभा। तो राग कल्पद्रुम के रचयिता कौन है? कृष्णानंद व्यास। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है?
आरएस 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, अलवर। तो सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो डेली इसी तरह देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राजस्थान के किस नगर के संबंध में कहा जाता है कि केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहाँ ले जा सकती है? आरएस 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो राजस्थान के जैसलमेर नगर के बारे में ये कहा गया है, केवल पत्थर की टांगें ही आपको वहाँ तक ले जा सकती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? आरएस 2013 में पूछा गया। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। तो राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना उदयपुर में की गई है।